So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. दोस्तों ये है मुंबई शहर का फिल्म सिटी जो कि गोरेगांव ईस्ट मुंबई में बसा हुआ है दोस्तों, और ये पूरी फॉरेस्ट की ज़मीन पर बसा हुआ है। ये संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म का सेट यहाँ पर आप देख सकते हैं और कितनी मेहनत से सेट बनाए जाते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं फिल्म सिटी के अंदर, और ये दादा साहब फाल्के चित्रनगरी का मेन गेट जो कि गोरेगांव ईस्ट में स्थित है, और यहाँ पर ये बॉलीवुड पार्क भी इसके अंदर दोस्तों खुला हुआ है, उसका वीडियो भी हमने डाला हुआ है। तो चलिए यहाँ के रेट्स बताते हैं अंदर जाने के लिए टूरिज्म की बस के। ये आप ये देख सकते हैं 999 का टिकट है और ये फ़ोन नंबर है, और यहाँ पर आप अंदर जा सकते हैं। हमें तो ऐसे ही एंट्री है क्योंकि हम एक्टर और डायरेक्टर काम करते हैं। ये विजलिंग वुड का एंट्रेंस गेट जहाँ पर कि लाखों रुपया देकर आप एक्टिंग सीख सकते हैं, और ये यहाँ पर दोस्तों ये लोकेशन है, शूटिंग लोकेशन, इसे खंडाला घाट कहा जाता है। घाट सेक्शन के शॉट यहाँ पर ले लिए जाते हैं। आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही अजब गजब है, इसमें आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा की शूटिंग कहाँ पर होती है, उसका पूरा सेट, गोकुल धाम सोसाइटी, और बहुत सारी शूटिंग आप इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों, और कोर्ट, सारी शूटिंग लोकेशन फिल्म सिटी की आप देख लेंगे। ये शूटिंग लोकेशन यहाँ पर बागबान फिल्म की शूटिंग यहाँ पर की गई थी, होली का गाना भी यहाँ पर किया गया था, और ये स्कूल को ये राइट साइड में जो ये कॉटेज टाइप आप देख रहे हैं ये हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर सिंगम 2 में इसको स्कूल बनाया गया था दोस्तों। समय समय पर इसको अलग अलग जग उसमें परिवर्तित कर दिया जाता है, और ये देख सकते हैं यहाँ पर लेक, यहाँ पर भी बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग दोस्तों हो चुकी है, और समय समय पर यहाँ पर शूटिंग के गाने पिक्चराइजेशन किए जाते हैं। ये बाग जैसे आपको नैनीताल वगैरह दिखाना है तो यहाँ पर आकर शूटिंग कर ली जाती है और शूटिंग लोकेशन को मैच कर दिया जाता है। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं सबसे मेन शूटिंग लोकेशन दोस्तों, जो कि फिल्म सिटी मंदिर है। यहाँ पर जिस भी शूटिंग के अंदर जिस भी देवी देवता की आवश्यकता रहती है उसकी मूर्ति अंदर लगा दी जाती है। फिलहाल कोई भी मूर्ति अंदर नहीं है, और ये आसपास की यहाँ के खूबसूरत दृश्य आप ये देख सकते हैं दोस्तों। ये फिल्म सिटी मंदिर के अंदर लिए चलते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं कैसा लगता है ये मंदिर अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, पूरा कैसा लगता है। और यहीं पर दोस्तों बहुत सारी अनगिनत फिल्मों की शूटिंग यहां पर जब से फिल्म सिटी बना हुआ है यहां पर होती आई है, और ये देख सकते हैं पूरा अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। हम अंदर भी चले गए हैं और आपको पूरा अंदर से भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये मंदिर बना हुआ है। समय समय पर ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग इसी मंदिर में की जाती है क्योंकि ये फिल्म सिटी का मेन मंदिर दोस्तों इसे कहा जाता है, शूटिंग लोकेशन टेंपल। और तो चलिए अब हम आपको यहाँ से सबसे टॉप वाली, सबसे ऊंचाई वाली जगह पर आपको लिए चलेंगे जिसे कि हेलीपैड कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ ये पूरी फॉरेस्ट की ज़मीन है दोस्तों, ग्रीनरी बहुत है क्योंकि ये शूटिंग अभी तो आपको फिल्म सिटी में करने के लिए अलाउ है ही नहीं, ये शूटिंग यहाँ पर चल रही है। तूफ़ानी पंखा चलाकर तूफान दिखाया जाता है, तो ये हम आपको लेकर जा रहे हैं फिल्म सिटी के हेलीपैड सबसे ऊंची लोकेशन पर। यहाँ पर दोस्तों पहले जब ड्रोन नहीं हुआ करता था यहाँ पर हेलीकॉप्टर बुलाया जाता था और हेलीकॉप्टर से फिल्मों के शॉट्स यहाँ पर लिए जाते थे, इसे हेलीपैड कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों के सेट लगे हैं दोस्तों, बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है, और ये पूरा हेलीपैड यहाँ पर शूटिंग लोकेशन, और
सलमान खान का गाना भी हुआ है, बहुत सारे गाने यहाँ पर हुए हैं, और अक्षय कुमार की फिल्म खट्टा मीठा का घर यहाँ पर, हीरोइन का घर यहाँ पर ये सामने ही लगाया गया था, जिसमें बुलडोज़र आके उसे तोड़ देता है। और ये पूरी बहुत ही खूबसूरत जगह है दोस्तों, ये मंदिर यहाँ से दिख रहा है, और पीछे पूरी लेक है जो कि वाटर सप्लाई किया जाता है मुंबई में। और अब हम आपको लेकर जाएंगे दोस्तों बिग बॉस फिल्म सिटी में, कितने बड़े पैमाने पर लगा हुआ है और कितने जनरेटर, कितनी वैनिटी वैन। दोस्तों जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही उसका सेटअप लगना शुरू हो जाता है बिग बॉस का। अभी आपने बिग बॉस 16 देखा होगा, इसके बाद 17 की शूटिंग के लिए पूरे का पूरी अंदर उसको सेट को डिसमेंटल करके ये देख सकते हैं, एंडमोल प्रोडक्शन जो है प्रसारित करता है दोस्तों बिग बॉस को। और ये पूरा आप ये बिग बॉस के दृश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, कितने सारे जनरेटर दोस्तों यहाँ पर शूटिंग में रखे जाते हैं। और इसके बाद आपकी सबसे पसंदीदा शूटिंग लोकेशन हम आपको लिए चल रहे हैं, जी हाँ, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये गेट नंबर 2 के अंदर हम आपको लेकर आ चुके हैं। और ये हम आपको लेकर जा रहे हैं गोकुल धाम सोसाइटी, जी हाँ दोस्तों, ये आप ये देख सकते हैं इसका मेन गेट यहाँ पर, हालांकि अंदर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं रहती है। और ये आप ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दोस्तों यहाँ पर बना दी गई है, और ये पूरी गोकुल धाम सोसाइटी को आप ये देख सकते हैं, बहुत ही यहीं पर सभी कलाकार बाहर आकर बातें करते हैं, और ज़्यादातर पूरी की पूरी शूटिंग यहीं पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा की यहीं पर की जाती है। ये उसमें काम करने वाले कलाकार दोस्तों तारक मेहता में ये देख सकते हैं, उनके पापा बनते हैं। और ये बेदी जो कि सरदार जी का किरदार यहाँ पर उसमें निभाते हैं। और ये पूरा सेट आप ये देख सकते हैं, मार्केट वगैरह का शूटिंग जब भी करनी रहती है तो इस सेट पर यहाँ पर अंदर ये बनाया हुआ है, और यहाँ पर पूरी की पूरी शूटिंग कर ली जाती है। देख सकते हैं आप कितना बड़ा सेट ये बनाया हुआ है दोस्तों, बहुत ही मेहनत होती है, और जब भी शूटिंग की जाती है तो बात ही अलग रहती है। और ये पूरा फिल्म सिटी के गार्डन की लोकेशन गेट नंबर 2 के अंदर ये देख सकते हैं, फिल्म सिटी जो है पूरा बहुत ही बड़े लेवल पर दोस्तों फैला हुआ है ये पूरा फिल्म सिटी। और सामने ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यहाँ पर गणपति बप्पा की बहुत बड़ी स्टैचू लगी हुई है, और ये यहाँ पर विजलिंग वुड का मेन ऑफिस, और यहाँ पर तारीख पे तारीख आप ले सकते हैं, और यहाँ पर इसको कोर्ट बना दिया जाता है जब भी रहता है। और यहीं पर दादा साहब फाल्के चित्रनगरी के अंदर रिलायंस फिल्म सिटी भी है दोस्तों, और ये यहाँ पर करोड़पति अमित जी का जो आने वाला वापस से शुरू होने वाला है उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। और ये आप ये देख सकते हैं शूटिंग से बाहर निकलते हुए सोनू सूद को दोस्तों, उनके तो आज की डेट में रियल हीरो वाकई ये ही इंसान है जो सभी के लिए कार्य करता है, वो ही रियल हीरो है दोस्तों। और बस ऐसे ही ये हमारे भाई ठीक रहे। और ये आप अनुपमा सीरियल की जो है उसमें कार्य करती हैं दोस्तों एक्ट्रेस, उनको देख सकते हैं। और ये पहले हमारे पास कुछ शॉट थे, और ये मंदिर में शूटिंग कैसे की जाती है ये आप ये देख सकते हैं दोस्तों, फिल्म सिटी मंदिर में ही ये शूटिंग ये चल रही है। हमारे पास फुटेज था तो हमने सोचा कि अपने यूट्यूब फैमिली को भाई शूटिंग के दौरान कैसा लगता है, ऐसा कैसा फील होता है, ये भी आप ये देख लीजिए दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ के, और आपको ऐसा लगेगा कि आप हमारे साथ में पूरा फिल्म सिटी का टूर कर लिए हो दोस्तों। और ये यहाँ पर ये बिड़ू अपने बाहर आ रहे हैं जेकी दादा, और ये आप ये देख सकते हैं कितने संस्कारिक है। लेडीज़ पैर छू रही थी लेकिन उन्होंने खुद से पैर छुए दोस्तों, इसीलिए कहते हैं ना बड़े लोगों के साथ में रहेंगे इंसान तो बड़े अच्छे संस्कार इंसान लेता है। ऐसे इनका बेटा भी है टाइगर, वो भी आने वाले समय में। और ये हमारे संजू बाबा, जी हाँ दोस्तों, संजय दत्त को ये आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर भी इनकी शूटिंग यहाँ पर चल रही है। और शूटिंग से बाहर जब भी आते हैं तो आप
कलाकार को देख भी सकते हैं, मिल भी सकते हैं, और बहुत ही ज़रूरी काम है तो आप उनके मैनेजर से बात करके अपॉइंटमेंट लेकर उनसे बात भी कर सकते हो। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह ये पूरा फिल्म सिटी के बड़े बड़े फ्लोर के अंदर ये सेट इस तरीके से दोस्तों ये लगाए जाते हैं। बहुत ही मेहनत करते हैं सभी लोग, तब जाके फिल्म का निर्माण किया जाता है दोस्तों। और ये पूरा फिल्म सिटी का खूबसूरत और मनोहर दृश्य आप लोगों ने देखा, और ये यहाँ पर समय समय पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है। और अब हम आपको फिल्म सिटी से बाहर लेकर निकल रहे हैं, और साथ में हम आपको दिखाते हैं संजय लीला भंसाली साहब का सेट कहाँ पर है। उनकी आने वाली फिल्म है दोस्तों, बहुत ही अपनी हर फिल्म का सेट दोस्तों यहीं पर लगाते हैं वो। और दोस्तों उनकी फिल्म जो आने वाली है उसका नाम है हीरा मंडी। ये लेफ्ट साइड में आप ये देख दोस्तों ये देख सकते हैं संजय लीला भंसाली अपनी हर फिल्म का सेट यहीं पर लगाते हैं जब से उन्होंने फिल्में बनाना शुरू किया है। और ये दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।